अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय स्वीट फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसा हंसाता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती शिफा दे। अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग भी औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियाँ दूर करे। जो बच्चे के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह पाक उनके नसीब बच्चे करे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद हंसता हंसाता रखे। तो जी फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं जी रेहान, और मेरे पास बैठे हुए अयान, और यहाँ पे सामान गया। सो मेरा वेट किया उन्होंने। आज भी वही हिसाब किताब था, लाइट का कोई आ रही है जा रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है इधर शक्करगढ़ का। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमने खाने हैं पकोड़े वगैरह, तो ये बाजार से मंगवा रहे थे। मैंने कहा नहीं मम्मा गर्मी में बना के देती है, तो इनको ना हम गर्मी में बना के देती है पकौड़े, बहुत ही जबरदस्त मजे के। क्यों मेरी जान खाने आपने? अच्छा हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे आपके? आपको नहीं खिलाने, मैंने किसको खिलाने हैं? तो यहाँ पे हम जाते हैं किचन में, मज़े के पकोड़े बनाते हैं और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और बच्चे कह रहे हैं मैंने खाने हैं बेसन वाले नान, तो वो भी फ्राई करते हैं। साथ में हम आलू पालक के प्याज के हरी मिर्च के पकोड़े बनाते हैं, तो करते हैं इंजॉय। चले किचन में जाना हमारे साथ, चले भी चलते हैं। हाँ जी मैडम जी, सोनिया शहजादे हीरो चंद मकरों की हो रहा है। बस यहाँ पे मैंने ना आयल डाल दिया। अच्छा, बच्चों को लगी है भूख और काम करते हैं स्टार्ट, आयल डाल दिया मैंने इसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हम अपना मसाला, वो जो चीजें हैं पकौड़े बनाने हैं जिसके, वो हम करके आते हैं। मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया। अच्छा, ये कि इसमें ज्यादा चीजें जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपने पराठों कटिंग किए हुए हैं, तो ये जाएंगे। कटिंग थे बड़े ते 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 मैं देखे पालक के पकौड़े बनेंगे बड़े मजे के और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता खस्ता बनेंगे। इसको मैंने बड़े अच्छे से धोया। पालक में ना बड़ी मट्टी होती है, तो इसको अच्छे से आपने पहले धो लेना ताकि मुँह के अंदर सारे पकौड़ों का बेड़ा गर्क ना हो जाए। हाँ चीज पक्की है। हाँ। तो इधर दे रही है, ब्राइटनेस तेज हो इंडिया। आप हाथ तो छोड़े ना ऊपर से कैमरे से उठा दे यार। यहाँ पे जी मर्ची है हमारी कटिंग की हुई, वो जाएंगी। मतलब तेरे मोबाइल का कैमरे दे विच प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास नमक, दादर मिर्च, लाल मिर्च और कूटा हुआ जीरा भुना हुआ और सूखा धनिया। इसको मैंने कूट लिया भून के ना, फ्राई किया फिर इसको भूना, फिर मैंने कूट लिया। फिर इसके अंदर है अजवाइन, फिर ये है गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। यहाँ पे जाएगा ये सारा मसाला इसके अंदर, और ये बड़े पसंद है काम लोग इस तरह के पकौड़े, और बच्चों को भी पसंद है। यहाँ पे गई हरी मिर्च, जो तो प्याज पै जाता ना पकौड़िया जिते चांद चांद लग जाते ने पकौड़िया नु, जेडी मेरी पकौड़ी है ना फिर पकौड़े कटदी है ना, ते इंज हुंदा है जिंज आहा मलाइयां ते कोफते खादे आ। वाह जी वाह। तो फिर यहाँ पे ये देखिए जी हमारा मसाला, हर चीज प्रॉपर हो गई है। इसलिए मैंने ना आलू नहीं ज्यादा डाले, मैंने कहा आलू ज्यादा ना हो गए इसलिए मैंने उनको निकाल लिया। ये देखिए जी बेसन है इसके अंदर जाएगा। ये बेसन बिल्कुल साफ है, पैकेट में मार्केट से मिल जाते हैं, इसको छाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक हो गया। यहाँ पे जाएगा बेसन और साथ में जाएगा मैदा। मैं ये डालती हूँ इसके साथ, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता खस्ता पकौड़े बनते हैं। ये डाल लिए, अब हम इसको करेंगे मिक्स। पानी हमने ले लिया और आयल हमारा गर्म हो रहा है। हूँ जो सोरे सोरे तनाल मिक्स करना ना, तो मैं कहना है हाय 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 मजा ही आए, मजा ही आ जाने। माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी आ रही है और बहुत ही अच्छे और जबरदस्त हो गए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, सूखे सूखे पहले मिक्स कर देते हैं। हाँ करी मैंने, तो इसलिए बोला कि मुझे ना लग रहा है कि बेसन की जरूरत पड़नी है और इसलिए। अच्छा अच्छा, पहले टाइमिंग देख रहे हो, ऐसा ही आइडिया हो जाएगा कि बेसन की जरूरत पड़नी है कि नहीं पड़नी, की लग रहा है पड़नी है। अच्छा पढ़ लो फिर शॉपर। हाँ पकड़ती हूँ, ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अगर अगर ज्यादा लगे ना आपको कि मेरा मटेरियल ज्यादा है, आपको इसी मिक्स करके ना तो आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी फिर ज्यादा ही लग रहा है। हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर दिल करेगा तो कल इसके अंदर और चीजें वगैरह ऐड करके तो बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कटिंग वगैरह मसाले सारे किए हैं, तो फिर ये देखना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकालूंगी
तो हम इसको ना सुबह भी कर सकती है, उसके अंदर ना वो डाल के ना बेसन वगैरह तो वो डाल के कर सकती है। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया ना। तो यहाँ पे मैं पक चुकी हूँ बर्तन, और यहाँ से थोड़ा सा निकाल दी मैंने, मिक्स कर लिया मैंने, ज़रूरत होगी तो मैं और निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल दिए हैं, तो इतने हम बनाते हैं। यहाँ पे ये हम डालते हैं बेसन, ठीक हो गया। और अब मैं डालूंगी पानी, मैदा नहीं डालना? और नहीं डाला था मैंने, बजा था। अब मैं इसको मिक्स करूंगी इस तरह से। मिक्स करके फिर दसोगे? हाँ जी, मिक्स करके दिखाते हैं। देखना साथ साथ मिक्स करते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी देख लें कि मैंने कुछ नहीं डाला, आपके सामने मिक्स किया है। जो कुछ भी आपके सामने ही है, और बड़े अच्छे बड़े मज़े के यहाँ पे पकौड़े बनने वाले हैं, तो बनेगी भी क्रिस्पी क्रिस्पी। तो जो नान पकौड़े बनाने हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बेसन टाइट होना चाहिए, थोड़ा पतला ना हो, ताकि वो नान होगा ना उसके साथ जो चिपकेगा नहीं। तो यही वाले जो हमारे जो ऑयल गर्म हो गया है, तो यही इसके ऊपर ही हम नान लगाएंगे। नान के साथ थोड़ा सा लगाते हैं पानी, नरम करते हैं। तो मेरे पास नान है तो मैं दिखाती हूँ आपको। हाय हाय, वो भी हजे तक टिफिन च रह के ना बड़ा परेशान है, तो जल्दी ले आओ। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि नान भी कह रहे हैं मुझे अभी तक पकाया नहीं, मुझे कुछ करो मेरा। अच्छा, तो हम पकाएंगे अपने फ्रेंड के साथ, शेयर करेंगे। और मुझे ना कल की जो रेसिपी है उज़्मा ने बड़ी पसंद की है, थैंक यू उज़्मा, और थैंक यू गुल हम, और हन्ना साजिद आपकी बहुत शुक्रिया कि जो मेरी रेसिपी है आपको अच्छी लगती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप कहते थे मैं जरूर ट्राई करूँगी। तो इफ्रा ने भी बोला था मुझे माशाल्लाह से, और माशाल्लाह नए नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। बहुत प्यारी बहन इसी, और क्या कि मैं बिल्कुल न्यू सब्सक्राइबर है, और मैंने बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मुझे अपने रिकमेंड करते हैं। आज हमारा देखिए कितना प्यारा गर्म हो गया। वाह जी वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा सा मैंने इसलिए डाला कि हम थोड़ा नमक का टेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें नमक परफेक्ट है। मुझे मेरा नमक परफेक्ट ही होता था। देखिए आपके सामने सारा कुछ डाला ऐड किया है, हमारे पकौड़े 5 मिनट भी नहीं हुए और हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त। अब मेरी नान पकौड़ी है मनोज, कितना पा के साड़ देता तू मनोज, मैं ना तेरे लागे आना ही नहीं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे बड़े प्यारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। देखिए 2 मिनट में पकौड़े रेडी हो गए, कोई नहीं टाइम लगा। और ये देखिए ऑयल अगर ज़्यादा डाला हो ना तो बड़े अच्छे बनते हैं। मैं ये आपको ये बात बार बार कहती हूँ कि ऑयल कढ़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। ऑयल ज़्यादा होगा तो चीज़ हमारी अच्छी फ्राई होगी और ऑयल भी कम लेगी। अच्छा, बस क्या था मतलब कि ऑयल कम हो नाल। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से नान कितना खूबसूरत है। ये देखिए गर्म है लुक दसनी है बस तुसी गरम है। फ्रेंड्स ए देखो, यकीन करो कोई ऑयल नहीं है। आहा, और बच्चे भी ठीक है, बच्चे भी खाएंगे तो मजा करेंगे, उनको नहीं लगेगा। यहाँ पे खाने देखे नमक थोड़ा कम नहीं सी इसके अंदर कोड़े आज। हाँ, नाने भी नमक है ना। पकौड़े लांदे ही नहीं है, जान खचोंदी है। नान पकौड़े सब कुछ वेच रख के अज कर हां जरा अज करी हां आहो, नाल पकौड़े भी होने चाहिए सी ऐसा करके। यहाँ पे ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको।
अच्छा उल्टा करके पाते ने। हाँ जी यार वाह, मैं हों ना मैं सीधे पाता ही हथने बड़े पकौड़े सुटन लगे मेरे काके पानी हथे रखे का पानी चुक लो ना तो आपने कैमरा बिल्कुल नहीं बंद करना क्योंकि उन्होंने उनको पता हो गया आपका नाम कैसे फेंकी है। ठीक है जी ठीक है, पता करना चाहिए अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी वाला होगा मजे का होगा। बड़ी जल्दी है सेटअप हो रहा है। आयल है ना कढ़ाई में आयल नहीं लगेगा इसके साथ, ये होगा इसका जो आयल होगा ना वो सारा इसके अंदर ही होगा। होता है ना बाजार का जो आयल नान होता है ना अक्सर। वाह तो तू मैं कहना देसी पिज्जा बना के रख देता है। ये देखे ना आगे जल्दी भी हो गया और कितना अच्छा भी हो गया यार। वाह यार आसा। और इस तरह से ये देखिए जी फ्रेंड्स हमारा और दो मिनट में हमारा जो है ना ये देखे नान कैसा फ्री हो गया यार। वाह यार अच्छा। सोनी है शहजादी है हीरे चंद मखनी है और गर्म भी है और क्रिस्पी भी है बच्चे करते हैं इसको एंजॉय। वाह कमाल हो गया ना। इसी तरह ये मैं नान बनाऊंगी और भी बच्चे करते हैं गरम गरम ये खाएंगे। किसके साथ खाएंगे ये खाएंगे इसे रहते के साथ। बस यार फ्रेंड्स कितना मजे का लग रहा है ना, खुशबू भी आ रही है अच्छा भी हुआ है। बच्चे अब मेरे यार और सामान खाएंगे ना तो वो बताएंगे कि मम्मा ने कैसे बनाए हैं। गर्म है चेक करती हूँ कसम से कमाल है। गोलू जी अब मेरा आया मैं खाऊंगा बताऊं। ये आपका बना है जी। ओ जी वाह गरम गरम से ये ना बच्चे खा ले मुझे ना ये सी। चलो मामा नो थैंक यू तो करो। चलो बहुत अच्छा थैंक यू मेरा गोला मेरा पोला। अब ये आंगी बाड़ी है सही है ना फ्रेंड्स गरम गरम बच्चे खा ले सही नहीं ऐसे पास रखो ना चूल्हे के पास तो वो इकट्ठे इकट्ठे करके मजा नहीं आता। गरम गरम का मजा आता है इसका। अब ये हाँ आ गई बाड़ी में हाँ का होगा जबरदस्त है ना काटो क्या आ गया अभी यहाँ पे जी ये देखिए जी अब तो आ गई है रेहान की बाड़ी ये हो गया रेडी। वाह यार वाह रेहान दा सब तो वधिया नहीं बनया किते। अच्छा जी रेहान तेरा वधिया बनया फिर तू चेंज कर ले। नहीं नहीं अब यही होगा मैं सही है ना गरम गरम बच्चे खाते हैं। अब रूम में ले जाओ ये रायता भी ले जाओ कैचअप मायने से मैं पड़ी हुई है जो दिल करता है खाए और एंजॉय करें। चल अरे आना आसा का शुक्रिया अदा नहीं करना कोई फिक्र नहीं नु शुक्रिया अदा दी शुक्रिया। अच्छा अरे आसा का दा शुक्रिया शर्मी पता नहीं शर्मी बड़ी आ रही है कोई नहीं कोई प्यारी पूरी कोई नहीं कोई नहीं। फ्रेंड पता क्या है रेहान जो है ना रेहान बड़ा ही शर्मीला है बहुत ज्यादा इसको शर्म आती है क्या करेगा। लेकिन जो है ना हम एक बनाएंगे बाद में ना हम पकौड़े बनाएंगे बड़ा जबरदस्त सासवा बने माशाल्लाह अच्छा ही बनाया है। नहीं ना हम मिलके खाएंगे ना फिर मैं भी यहाँ खाऊंगी और पापा भी खाएंगे हम बनाएंगे अपने लिए भी एक। लो जी बच्चा ने नान तो चले गए ना उन्हें पकौड़े भी मैंने कहा चलो सारे पकौड़े भी ले जाते हैं रूम में बैठते हैं एंजॉय करते हैं सभी के साथ बैठ के जहाँ मेरा नान भी रेडी हो गया। देखे मैंने ना अंदाज से बनाया था मटीरियल और ये देखिए मुझे लग रहा था कि मेरा बच जाना तो मेरा ज़्यादा हो गया था ये देखिए मैंने निकाल लिया और यहाँ पे हमारा जो ना मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। बच्चों को जरूरत पड़ेगी और तो हम उनको दो मिर्चा भी कर लेते हैं ये देखिए डाली है मैंने बहुत सारी डाली है देखिए। वाह जी मुझे पता है ना आपने खानी है तो मैंने डाली है यहाँ पे जी माशाल्लाह से डन हो गए हैं और हम भी चलते हैं रूम में बच्चों के साथ बैठ के करते हैं एंजॉय। और आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा मौसम अच्छा है आजकल बारिशें बताई हुई हैं बारिश वगैरह होनी है तो आप पकौड़े वगैरह एंजॉय करें। ये देखिए मिर्चें नजर आ रही हैं आपकी मिर्चों ने अपने बाहर निकाल दी कान। वाह यार वेरी गुड एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली राइट माई बेस्ट मिसिज की वाइफ आसफा और माई क्यूटू एंड लवली एंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंड फुल पतीनी क्योंकि आता है मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या बात है जी जबरदस्त लगा मुझे लग रहा था मुझे अंदर से आवाज आई है की कहंदे ने मुझे अंदर से आवाज आई है मेरे गोलू की आवाज आई है चिप्स दी
बच्चे हो जाते हैं ना खुश, बच्चों की जो पसंद की चीज बने तो बच्चे हो जाते हैं हैप्पी और मम्मा पापा भी हैप्पी, सब तक हम भी इंजॉय करते हैं। बर्तन तो फिर नहीं, मैं धोलूंगी दो बर्तन। मेरे गोलू की फ्राई हो गया रेडी और मैं चलती हूँ रूम में और चलते हैं सभी उधर बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय माशाल्लाह, मेरी प्यारी हैप्पी स्वीट फैमिली। हाँ यान गुड हो गया ना, बच्चे हैप्पी और मेरी जान भी हैप्पी। वैसे भी कामना के बड़े फेवरेट पकौड़े हैं, बहुत ही फेवरेट है ना मेरी जान। यहाँ पे हम करते हैं एंजॉय कसम से, मुझे भी बड़ी खुशबू आ रही है और मुझे भूख लगी हुई है बहुत, तो मैं भी इनके साथ करती हूँ एंजॉय। यहाँ पे मेरा हो गया है काम स्टार्ट, जहाँ मेरी चाय हो गई है रेडी और जहाँ बच्चे बैठे हैं रूम में, मामा हमने चाय पीनी है तो आपको पता है उन्होंने चाय पीनी होती है, सुकून नहीं होता उनको चाय के बगैर, तो यहाँ पे चाय हो गई है रेडी और चलते हैं रूम में उनके लिए चाय लेके। यहाँ पे बच्चों की बन गई है चाय और यहाँ पे जी रिहान के आगे बेड रख दी हमने केक रस, रिहान आ गया और यहाँ पे सबान यान और कामना साहब हीरो मेरा हीरो, तो यहाँ पे जी मेरी चाय है और माशाल्लाह से हमने बहुत मज़े से बच्चों ने खाना इंजॉय किया, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग रहा है मेरे मुझे भी ना अब नया मोबाइल लेने पड़ जाना है ना मैं जान। कैमरा बफरिंग आ रहा? हाँ जी मुझे लग रहा है कैमरा चिप फट रहा है। तो मम्मा जी ये मोबाइल मुझे दे दो। अब मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे ना तो फिर मैं नया मोबाइल लूंगी, अभी मेरे पास थोड़े पैसे है ना। रिहान मैं रिहान को लेके दे सकती हूँ, अपने लिए नहीं ले सकती क्योंकि रिहान के लिए ज्यादा जरूरी था, मेरा इतना जरूरी नहीं था। बच्चों की खुशी होती है ना, मैंने मेरा शौक था आईफोन का लेकिन मैंने रिहान को लेके दिया, तो इंशाल्लाह मुझे गारमेंट लेके दे देंगे। बहुत अच्छा है मेरी जान जी, माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यार करने वाली है। अल्लाह पाक सभी फैमिली को ऐसे ही खुश और आबाद रखे, बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। यहाँ पे जी मैं भी खाऊंगी, मेरी मेरी चाय ठंडी हो जानी, इन्होंने सारे केक रात खा लेने हैं। मैंने तो बड़ा मजा आया। किसका? कोड़ियां दा। कसम से वाकई मुझे भी बड़ा मजा आया ना, हसबान ने ना माशाल्लाह अपना फुल नान खाया है, है ना हसबान? शाहरुख को बड़ा पसंद आया था। हाँ अजान ने भी, रिहान ने अपना अपना सबने खाया है और मैंने और कामना ने ना हाफ हाफ खाया था एक, बाकी दूसरे सादे खाए थे लेकिन बड़ा मजा आया था। कह लो कह लो कि मुझे बिस्कुट पाया है। नहीं नहीं अच्छा। तो यहाँ पे जी कामना साहब ने काट दी है रेड ब्रेड, कहता है ये खाने हैं क्योंकि उन्होंने खाए हुए थे पकौड़े शकोड़े वो नान शान, अब उनको लगी थी प्यास, तो कहते हैं ये खाते हैं पीते हैं, ये स्टाइल है कामना का स्टाइल है। की गल है तुम्हें पता है इंटरनेशनल स्टाइल है। हाँ तो की गल टूट गया है, स्टाइल है इंटरनेशनल है इंटरनेशनल कुकिंग है जो 70 साल हो गए ना दंद एक नहीं होगा स्टाइल खत्म हो जाना। कसम से बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के मीठे हैं, मेरे पास ये भी बैठा हुआ है और मेरे पास ये भी बैठा हुआ है, नहीं खाने? नहीं आपकी मर्जी है, बच्चे नहीं पसंद करते, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं खाते लेकिन खाने चाहिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसके साथ स्किन भी बड़ी ग्लो और बड़ी प्यारी हो जाती है जो ये खाता है खट्टे मीठे। मजे क्या खट्टे मीठे के यार। नहीं, वैसे नहीं, नहीं। कुछ ज्यादा कुछ कुछ होते हैं वैसे लेकिन आते बहुत मीठे हैं और नहीं कुछ को ना खट्टी चीजें पसंद होती है ना मुझे, जैसे किन्नो ये वाले हो गए मौसमी, मजे की होती है ये भी, मजे की है रेड ब्लड बहुत मजे का, मौसमी जैसा होता है ये, वैसे जूस इसका बड़ा मजे का होता है, ये पीना भी चाहिए खाना भी चाहिए, तो हम ये इंजॉय मजे करते हैं साथ ही रहिएगा। रेहान कमेंट आवा जो हेब हसन का कमेंट आवा कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है,
थैंक यू सुहेब। और वजीहा पता क्या कहती है, वजीहा कह रही है कि अभी मैंने आपके हाथ का बीफ पुलाव खाना है, तो इंशाल्लाह जरूर मोस्ट वेलकम आप आए इधर मेरे पास शक्करगर, तो मैं आपको खिला दूंगी, नहीं तो मैं ना गुजरा वाले तो फिर गुजरा वाला आके बना के खिला दूंगी। ठीक हो गया काले काले, तो अपने फीडरों की सेटिंग कर ले, ये देखिए इसका आस पास रखे हैं सेटिंग करके। और अब्दुल्ला का कमेंट आ गया, थैंक यू अब्दुल्ला कि आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती है, तो अब्दुल्ला आपके लिए बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। और कमेंट भी आवा और हमारे पास आवा हो रिया व्लॉग का माशाल्लाह, कह रही है कि अभी आपकी फैमिली बहुत अच्छी होती है, आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना पसंद करते हैं और आपको हमारी रेसिपी भी अच्छी लगती है और मेरे खाने भी मजे के अच्छे लगते हैं, तो इसलिए तो मजे के खाने बनाती हूँ कि आपको अच्छे लगे और आप ट्राई करें कि, और मुझे आप कमेंट में बताएं कि जो भी खाने मेरे होते हैं आपको कैसे लगते हैं। और थैंक यू अतिया मेरी शहजादी हमना साजिद माशाल्लाह उज़्मा मेरा आयशा इकरा फारूक मेरी यूट्यूब की जो आल फैमिली है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और शिबाज भाई आपके लिए भी बहुत सारा थैंक यू कि आप मुझे सऊदीया से कमेंट करते हैं और यूके से भी मुझे देखते हैं, कैनेडा से मुझे देखते हैं, माशाल्लाह इंडिया से देखते हैं और मेरी और मुझे आपने कमेंट में सुबह कल बताना है कि मुझे कहाँ कहाँ से सभी मुझे देखते हैं, अपने अपने सिटी के नाम लेने हैं आपने। ठीक हो गया, कल मैं आपके सभी जो भी है ना आपके सभी फ्रेंड्स आपके कमेंट का वेट करूंगी। और माशाल्लाह यहाँ पे कामराम साहब सो गए हैं बच्चों के रूम में आके, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे चाय वगैरह पी, बच्चों के साथ हमने खेला इंजॉय किया। और यहाँ पे जिनको आ गई थी नींद वो सो गए हैं, तो कहते हैं मैं बाद में उठूंगा तो फिर हम करेंगे बातें शातें करेंगे इंजॉय करेंगे। तो सभी फ्रेंड्स जो भी होता है ना यहाँ पे, ये देखे जी अभी रेहान ने पता नहीं आज की एक्टिविटी क्या दिखाई है, ये दिखानी है अभी कुछ कर रहा है, लेकिन ये के सैटरडे कब है जी जनाब, परसों तो हो गया, मतलब हो गया, हाँ, एक बज गया तो इंशाल्लाह हम जो हफ्ते वाले दिन फिर जो है ना हम लाइव आएंगे रेहान शेख के चैनल पर इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हम बड़ी अच्छी बहुत प्यारी मीठी मीठी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करेंगे इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे जी मेरा गोलू बैठा हुआ है, यहाँ पे जी मौसम बहुत ठंडा है, बारिश होनी है अभी, बारिश हो रही है बताया हुआ है, बारिश की ना 3-4 दिन बारिश होनी है और मौसम बहुत प्यारा है वो ठंडा है। और यहाँ पे ये देखिए वेट कर रहा है मम्मा, ये मुझे दोबारा था, मैं इनके रूम में बैठी हुई थी, बड़े खुश होते हैं जब इनके रूम में आए ना, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि मम्मा के रूम में हमारे रूम में मम्मा पापा आए हुए हैं तो बैठे हुए हैं। कामना साहब को आ गई थी नींद, सुकून हो गया था, इसलिए तो आज बच्चों को ना जो सुबह सुबह ने नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था हम उसका व्लॉग नहीं बना सके क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, बाहर किचन में भी बारिश वगैरह हो रही थी, तो ऐसे फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया, चाय शाय बनाई, बिस्किट वगैरह खाए, उसके बाद बच्चों की डिमांड थी पकौड़े वगैरह की, वो बनाए हुए हमने इंजॉय किए, तो सारी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। अगर आज की एक्टिविटी अच्छी लगती है तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करो बटन को, फिर दोबारा हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना सुभान की आपने बात मान लेनी है, जो भी हमारी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है ना तो सुभान जो कहता है ना उसी बात में आपने अमल कर दिया, जो सुभान ने कह दिया सो कह दिया है सुभान। तो यहाँ पे रिहान भी कुछ कहने वाला है जी फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अजान क्या कहेगा, अजान ने कुछ कहना अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय, क्या तुम सब क्या कहूँ, मैं कह रहा हूँ वो तो ठीक है, उनको तो कहना, उनको तो पता है सब्सक्राइब करना अपने बस चैनल को और कुछ ना करो, चाहे लाइव भी कर दो वीडियो, हाँ सभी फ्रेंड्स सारा कुछ कर देंगे, सभी फ्रेंड्स के लिए लव यू हो गया, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे, मेरी यूट्यूब ऑल फैमिली के लिए अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। तो इसी के साथ आज की एक्टिविटी खत्म करते हैं, सुबह नहीं गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे सभी फ्रेंड्स के लिए, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।